समस्त कोटवारों ने आज ब्यावरा में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम का स्वागत कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख मांग रखी गई कोटवारों को मानदेय के स्थान पर वेतनमान दिया जाए और शासकीय सेवक घोषित किया जाए, कोटवारों को पूर्व में दी गई भूमि का मालिकाना हक दिया जाए, प्रदेश में 36,000 कोटवार संघ के सदस्य हैं, उनको 4,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, इससे उनके घर का भरण पोषण नहीं हो सकता, अतः उनकी वेतन वृद्धि बढ़ाई जाए। आंदोलन में पहुंचे ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी ने कहा कि कोटवारों की समस्या के इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। इस मौके पर कोटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंतेश वर डोंगरे, कोटवार संघ के जिला अध्यक्ष मांगीलाल वर्मा, जिला अध्यक्ष सलीम खां एवं जिले के सभी कोटवार उपस्थित रहे। ब्यावरा से मोहन वर्मा की रिपोर्ट। मैं इंतेश्वर डोंगरे, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ। आज का हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमने मध्य प्रदेश शासन से सिर्फ दो बातों के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। पहली मांग है हमारी कि मध्य प्रदेश के समस्त कोटवारों को नियमित शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, यदि इसमें विलम्ब है तो कलेक्टर रेट के बराबर पारिश्रमिक दिया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि मध्य प्रदेश के कोटवार जिनके पास में भूमियां हैं, उन भूमियों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदाय किया जाए। भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदाय करने के आदेश पूर्व में किए जा चुके हैं, 2007 में इसके आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं, लेकिन अधिकारी गण उस आदेश का पालन न कर मध्य प्रदेश के कोटवारों की भूमि को भूमि स्वामी अधिकार प्रदाय नहीं कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश का सारा कोटवार आक्रोशित है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन इन दोनों मांगों को स्वीकार करे और मध्य प्रदेश के कोटवारों को उसका लाभ प्रदाय करे। 14 साल हो गए, 14 साल से आपका, हाँ ये 14 साल से हमने अनेकों बार, हमने आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? अनेकों बार हमने आंदोलन किए, अनेकों बार मध्य प्रदेश शासन को के सामने हमने आंदोलन किए, अधिवेशन करवाए, प्रदर्शन किए, और उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश शासन ने हमारी मांगों को सिर्फ आश्वासन ही देते रहे, उसको मूर्त रूप नहीं दिया गया, जिससे मध्य प्रदेश का सारा कोटवार मध्य प्रदेश शासन पर आक्रोशित। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कर रहे हैं, अगला उद्देश्य क्या रहेगा? कल ही हमने निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संगठन की क्रांतिकारी करने की बैठक ली और उसमें निर्णय लिए हैं कि आने वाले समय में हम एक उग्र आंदोलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के सारे कोटवारों को बुलाकर वहां पर चकाचौंध करेंगे। कोटवार संघ को जो उम्मीद है, इनको लेकर कहां तक जाने के लिए तैयार? देखिए, मैंने कोटवार संघ को, मेरी बहुत अच्छे से परिचित हूँ, और ये ऐसा वर्ग है जो गांव में अमन चैन शांति बनाए रखता है हमेशा, और चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी किसी भी तरह का कर्मचारी जब गांव में जाएंगे तो कोटवार को ही बुलाते हैं और सारे काम कोटवार के माध्यम से कराते हैं। लेकिन आज हम देखने में आ रहे हैं कोटवार सब को बहुत कम वेतन मिलता है, 400 रुपये वेतन मिलता है, जिनको सरकार ने 16 जमीन दी है, लेकिन ज़मीनें भी उतनी अच्छी नहीं है, कई लोगों के पास कब्जे भी नहीं हुआ, लेकिन 400 रुपये, और जिनको पास कुछ भी जमीन नहीं थी उनको 4,000 रुपये महीना बहुत कम मासिक वेतन है और काम बहुत अधिक है। इसलिए इनकी मांग भी है और हमारी भी इच्छा है कि इनकी वेतन शासकीय कर्मचारियों के जैसा वेतन इनको मिले और इनका शोषण भी नहीं हो, इनसे जो इनका लायक काम हो वो इनसे काम कराया जाए, और ये इनकी मांगे हैं, इनको मैं विधानसभा में उठाऊँगा और इनको आश्वस्त भी किया मैंने कि जो भी हर संभव हो आपकी मदद हम लोग करेंगे, आपको सुरक्षित में आपके साथ करेंगे और निश्चित रूप से इनकी लड़ाई लड़के इनको न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।